हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज बात करने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन स्टैंडर्ड के बारे में, जो भी लॉन्च करने वाली है कंपनी कुछ ही दिनों के अंदर। बहुत से भाई कमेंट कर रहे थे कि उसके ऊपर ढंग से वीडियो बनाओ। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, तो उसमें बहुत से भाई पूछ रहे हैं क्या उसके अंदर किक आएगी, क्या कुछ चेंजेज आएंगे, कब आएगी, क्या प्राइस होगा, ठीक है ना, हमें ये वाली लेनी चाहिए, उसका वेट करना चाहिए, क्या कुछ चीज़ है। तो सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहली चीज़, स्टैंडर्ड 2022 आएगी, बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन बिल्कुल आएगी। ये बात मैंने कन्फर्म की है रॉयल इनफील्ड के जो मैकेनिक हैं उनसे, उनकी ट्रेनिंग हुई है, जो मिट्योर के अंदर इंजन आया है या नई वाली क्लासिक के अंदर इंजन आया है उसकी, तो उस दौरान उनको बताया गया था कि स्टैंडर्ड में भी ये इंजन आ सकता है। उनको भी कंफर्म नहीं किया गया था, वो इस बेस पे जज करेंगे कि क्लासिक अच्छी बिकेगी तो वो इंजन स्टैंडर्ड के अंदर भी आएगा, जो कि क्लासिक बिक रही है अच्छी। बुरी खबर ये है कि जो नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक है वो अच्छे नंबर्स में बिक रही है, तो कंपनी डेफिनेटली इस स्टैंडर्ड के अंदर भी वो वाला इंजन लेके आएगी, ठीक है ना। जो नया जो इंजन आया है जे सीरीज़, ये वाला इंजन बंद हो जाएगा, सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, किक इसके अंदर आने के चांस कम हैं, उस इंजन के अंदर किक नहीं आ रही है जैसे क्लासिक के अंदर, तो स्टैंडर्ड के अंदर भी किक हटा देंगे। हालांकि स्टैंडर्ड की पहचान ही किक से थी, लेकिन फिर भी कंपनी इसके अंदर से किक निकालने की बात कर रही है कि किक इसके अंदर नहीं आएगी जो नेक्स्ट जनरेशन स्टैंडर्ड आएगी 2022 वाली। और आएगी कब? 2022 के अंदर ही आएगी भाई, अभी 2021 में तो आएगी नहीं। स्टार्टिंग में भी आ सकती है, मिड में भी आ सकती है, उसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है अभी, ठीक है ना। लेकिन इतना ज़रूर कंफर्म है कि स्टैंडर्ड आएगी नई वाली, ये चीज़ बिल्कुल 110% श्योर है, ठीक है। इसके अंदर किक आने के चांसेस भी कम है। रही प्राइस की बात, तो 10,000 रुपये के अराउंड प्राइस इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा, 5 से 10,000 रुपये के बीच में। लॉन्च डेट अराउंड मैंने आपको बताई दी, अगले साल ही होगा, इसलिए उसको बुलेट 350 2022 ही बोला जा रहा है। इंजन उसके अंदर वही आएगा, क्योंकि वो इंजन भी लोगों ने पसंद किया है, क्लासिक काफ़ी अच्छे नंबर्स में बिक रही है, तो डेफिनेटली वो इंजन स्टैंडर्ड के अंदर आएगा। लुक्स कह रहे हैं कि ज़्यादा चेंज नहीं होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लुक्स में थोड़ा बहुत अपग्रेड आएगा स्टैंडर्ड के अंदर। बहुत से रूमर्स ये कह रहे हैं कि जो लुक है यही रहेगी पहले वाली जो आप देख रहे हो ऐसी ही, बस इंजन इसके अंदर बदलेंगे और किक को हटाएंगे, लेकिन लुक्स भी चेंज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी साउंड आपको नई वाली क्लासिक की पता ही है कैसी आई है, और इसकी मैं आपको सुना देता हूँ। फील भी भाई नई वाली क्लासिक में क्लासिक वाली चली गई है। साउंड इसलिए सुना रहा हूँ, बहुत से भाई बोलते हैं कि साउंड जरूर सुनाया करो हर वीडियो में, देख रहे हो भाई इसके अंदर नई वाले स्टैंडर्ड के अंदर वाइब्रेशंस बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर डबल चेसिस रोड भी आएगी, ठीक है ना। थोड़े बहुत फीचर्स भी कह रहे हैं उसको की जाएगी, लेकिन किक वगैरह के बारे में तो यही कहा जा रहा है कि किक तो इसके अंदर नहीं आएगी, ठीक है ना। और इंजन भी चेंज होगा और स्टैंडर्ड की नेक्स्ट जनरेशन भी आएगी। अब बात करते हैं जो ये जनरेशन हो भाई, जिन भाइयों को ये वाली स्टैंडर्ड पसंद है आँख मीच के अभी ले लो BS6 के अंदर जो आ रही है। ओल्ड तो आप कभी भी ले सकते हो, पुरानी तो आप कभी ले लेना, लेकिन जिस भाई को नई लेनी है वो आज ही ले लो, ठीक है ना। फिर ये बंद हो जाएगी यानी, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, ओके। और जैसे क्लासिक बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दी गई है, वैसे ही पूरी तरह से डिसकंटिन्यू इसको कर दिया जाएगा, ये चीज़ बिल्कुल श्योर है। तो बस इतना ही था नई वाली स्टैंडर्ड के बारे में, जो 2022 के अंदर आएगी, बुलेट के बारे में, नई वाली के बारे में, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।